सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वॉन्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। वी डू नॉट लाइक द वे दे हैव रन दिस कंट्री। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव अटैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated